हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक ब्लॉग जिसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से, एंड मैं शाम तक का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी जब शाम एंड होगा, क्योंकि आज के शाम कुछ स्पेशल मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँ कि दरअसल स्कूल से आ चुका है और अभी वो सो रहा है, तो मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट करा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 दिनों से मैं गरबा क्लासेस कर रही थी। मैं गरबा वर्कशॉप, जिसमें गरबा के साथ साथ डांडिया के भी कुछ स्टेप्स जो है वो सिखाए जाते हैं, मैं इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रही थी। एंड अभी है 7वां दिन आज का, तो किस तरह से मैं ये गरबा क्लासेस या फिर डांडिया क्लासेस आप जो भी कहिए, किस तरह से मैंने मन बनाया कि इसे ज्वाइन करूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या साथ में जुड़े हुए इवेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको ले चलूंगी अपने गरबा प्रैक्टिस क्लासेस में भी, तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो यहाँ पर जो हमारा टाउन है, यहाँ पर जो एक स्कूल है सिटी इंटरनेशनल स्कूल, CIS के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो स्पॉन्सर करता है हर साल गरबा के इवेंट को। साथ में यूरो किड्स, जिसमें दर्शिल जो है अभी पढ़ता है, वो भी साथ में को पार्टनर है और दोनों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और ख़ास तौर से ये मैं आपको बताऊँ कि बच्चों के लिए तो नहीं ही है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बच्चे फन करेंगे जिस दिन इवेंट होगा, लेकिन फ़िलहाल ये प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं गरबा और डांडिया के, ये बच्चों की मम्मीज़ के लिए हैं। और ये बहुत ही अच्छा है इसलिए क्योंकि हमें अपने लिए कुछ समय नहीं मिल पाता है, तो इस बहाने हम अपने लिए कुछ समय भी निकाल रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं। मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये दर्शिल का पहला साल है इस स्कूल में, इससे पहले तो मैंने इस तरह के क्लासेस नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, इनकरेज करा। उन्होंने कहा कि पहले आप डेमो क्लास ज्वाइन करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज़ आप नहीं भी कर सकती हैं। तो मैंने जब डेमो क्लासेस किए मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा और फिर मैंने उसे प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इवेंट होगा इसमें कुछ सेलिब्रिटी डीजेस भी आएंगे, जैसे मैं आपको बता दूं KD, इशिता, ये सेलिब्रिटी डीजे हैं। इसके अलावा डांडिया जो है वो डांडिया के लिए ग्रुप डांस वाले जो होते हैं ना, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि RK ग्रुप डांस, RK डांस कंपनी करके लखनऊ से हैं, ये ख़ास तौर से परफॉर्म करने के लिए इस इवेंट पर आएंगे। और जो हम क्लासेस कर रहे हैं, जिनसे गरबा सीख रहे हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि वो हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती हैं और वो ख़ास तौर से लखनऊ से आती हैं हमें सिखाने के लिए। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जाए। ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने डांडिया या गरबा खेला है। और मैं बता दूं कि यहाँ आने पर मुझे एक बात का मतलब एहसास हुआ, मैं शुरू से एक किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म जिसे कहेंगे, उस टाइप की लड़की थी। पढ़ाई लिखाई के अलावा मैंने ये सारे चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में नहीं करी हैं, स्कूल टू कॉलेज में बहुत ही कम की है, इवन स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर आने के बाद कि चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर के आती हैं, डांसिंग से जुड़ी हुई या फिर किसी भी कला में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ देर के लिए अपनी सारी समस्याएं भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए आप एक न्यू जोन में जाते हैं और बहुत ही रिफ्रेश माइंड से बाहर आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक कुछ पर्सनल एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो डांस हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे अपना कोई फेवरेट स्पोर्ट्स हो। इस तरह से आप क्या करते हैं, खुद के लिए भी समय निकालते हैं, माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप हेल्दी फील करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बताऊँ कि पिछले 6 दिनों से जो ये मैं क्लासेस कर रही हूँ ना, तो इसमें हर एक दिन का एक ड्रेस कोड है, कलर कोड है आप कह सकते हो, कि किस कलर के ड्रेस को पहनना है। पॉसिबल हो तो आप उसी कलर को पहनिए, क्योंकि जब हम गरबा करते हैं सर्कल में ना, तो एक ही कलर के जो कॉस्ट्यूम रहते हैं सबके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल तो हम ज्वाइन जो कर रहे हैं वो है वर्कशॉप। इसमें आपका ड्रेस कॉमन हो सकता है, साधारण हो सकता है। गरबा ड्रेसेस जो है, गरबा थीम पर बेस्ड ड्रेसेस जो है वो आप इवेंट के दिन जो है वो पहनेंगे। तो आज हमारा जो कलर है वो है ब्लैक एंड वाइट, तो मुझे कुछ ब्लैक और वाइट से रिलेटेड वियर करना है।
तो चलिए मैं रेडी होती हूँ, इसके साथ मैं आपको लिए चलूंगी गरबा क्लासेस के लिए और वहाँ पर देखेंगे कि और क्या क्या है। और ख़ास तौर से ये वीडियो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज होना है मैं सीधे वहाँ लिए चलूँगी आपको। एस की जो वर्कशॉप चल रहा था वो दूसरे जगह चल रहा था, लेकिन आज ये वर्कशॉप जहाँ पर इवेंट होना है वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ, सबसे पहले मैं रेडी होती हूँ। सो एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सॉलिड प्लेन ब्लैक में कुर्ती और पैंट को प्रेयर किया है, इसके साथ में वाइट दुपट्टे के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है। ये है डांडिया स्टिक जिसे मैं शो कर रही हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन दर्शिल को रेडी करना अभी बाकी है। दर्शिल सो रहा है, मैं उसे जगाकर रिफ्रेश करूँगी, कुछ खिलाऊँगी पिलाऊँगी क्योंकि समय हो रहा है और फिर हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बस में खचाखच भरी हुई हैं मॉमीज, यानी कि सभी जो बच्चे हैं उनकी मॉमीज जो हैं सभी वर्कशॉप के लिए जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि जिसकी फैमिली में अदर मेंबर्स भी हैं तो वो मॉमीज क्या करती हैं कि अपने बच्चों को अपने अदर फैमिली मेंबर के यहाँ ही रहने देती हैं और ख़ुद चली आती है वर्कशॉप के लिए। लेकिन कुछ मॉमीज ऐसी हैं जो कि बच्चों को घर पर नहीं छोड़ती हैं, साथ में लेकर के आती हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। थोड़ी सी परेशानी तो बच्चे क्रिएट करते हैं लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद वे भी इंजॉय करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको दिखाऊंगी कि दर्शिल भी किस तरह से इंजॉय करेगा वहाँ पर। और ये मैं हूँ, दर्शिल है। दर्शिल को भी मैंने ब्लैक ही पहना दिया, कहा कि सभी लोग एक ही कलर में जा रहे हैं, एक ही कलर को ड्रेसअप कर रहे हैं, तो दर्शिल भी उसी कलर कोड को फॉलो करे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये हम पहुँच गए हैं CIS के प्लेग्राउंड में। सिटी इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ का और ये इसका कैंपस है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उधर की ओर प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स हैं, स्लाइड है, तरह तरह के अदर क्रिएटिविटी के लिए चीज़ें हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बच्चे यहाँ बोर्डम फील नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ें कुछ बिखरी पड़ी हुई हैं, ये सभी तैयारी हो रही है इवेंट के लिए, इसलिए टेंट वगैरह का सामान भी है। और दर्शिल यहाँ पर अमेज्ड है किधर की ओर जाए, देखिए कि बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो उसे लग रहा था कि कौन से स्विंग पर जाए, किधर की ओर जाए। और मैं बताऊँ कि जो स्कूल फ्रेंड्स थे इसके वो यहाँ पर उतने नहीं आए थे, बड़े बच्चे थे थोड़े वो आए थे, तो इसलिए भी उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था किन के साथ खेले। एंड मैं बताऊं कि जब हम उधर प्रैक्टिस करते हैं तो इधर गेट है जो स्कूल का वो अच्छी तरह से बंद हो जाता है जहाँ पर गार्ड होते हैं। एंड देयर आफ्टर बच्चों की गार्डिंग के लिए भी कि बच्चे झूले पर से गिरे ना, यहाँ पर वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं। तो इसलिए मॉमीज को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे आपके सेफली खेल रहे हैं और आपके पास भी आ सकते हैं जब आप चाहें। जब आपको प्रैक्टिस सेशन से थोड़ा भी ब्रेक मिले तो आप यहाँ पर बच्चों को आकर देख सकती हैं। तो यहाँ पर दर्शिल को इंजॉय करते हुए देखिए आप। इसी तरह से सभी मॉमीज़ के लिए ये राहत की बात थी कि बच्चे यहाँ बोर्डम फील नहीं करेंगे, बिजी रहेंगे स्विंग्स में, तो इस कारण से वो उन्हें परेशान नहीं करेंगे और आसानी से प्रैक्टिस करने देंगे गरबा की। तो ये मुझे भी अच्छा लगा। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर हम लोग पिछले 6 दिनों से सीख रहे हैं गरबा, इस कैंपस में नहीं सीखते थे, कहीं और भी सीखते थे, लेकिन फाइनल इवेंट यही होने वाला है क्योंकि इसी स्कूल ने यूरो किड्स के साथ में मिल करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। चलिए मैं आपको दिखाऊँ प्लेग्राउंड। ये है ग्राउंड, वहाँ पर आप देख सकते हो स्टेज है एंड यहाँ पर हम लोग सभी लाइनअप हो रहे हैं सभी मॉमीज, एंड यहाँ पर हम गरबा को प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चे यहाँ भी आ जा रहे थे, बीच बीच में कोई बड़ा इशू नहीं था, सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। और लाइन में स्टेप्स सिखाए जाते हैं, देयर आफ्टर सर्कल में गरबा खेला जाता है। ये जो आप देख सकते हो वहाँ जो हमारी मेंटर है सीमा श्रीवास्तव, वो लखनऊ से आई हैं और वो UP की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। फोक डांसेस जहाँ प्रोग्राम होते हैं तो उत्तर प्रदेश की ओर से वो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। साथ में उनके 2 टीम मेंबर्स भी आए थे जो हम लोग को सिखाती थी, तो हमारे लिए उन्होंने 3 सॉन्ग को प्रिपेयर किया एंड जिसमें कि एक बॉलीवुड था, दूसरा 2 अदर गुजराती में थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ ट्यूनिंग अच्छी थी, गरबा लाइक थी,
उन्होंने ही बताया कि हम गरबा जो है डांस करते नहीं हैं, हम गरबा खेलते हैं। एंड उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि लखनऊ में या फिर जनरली जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बाहर से ट्रूप्स मंगवा लेते हैं और वो लोग परफॉर्म करवाते हैं अपने स्कूल में, लेकिन वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ नहीं करते मम्मीज़ के लिए या बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस स्कूल ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि आप लोग भी अपने देश के कल्चर से वाकिफ हो सके, इसे सीख सके। क्योंकि अब देखिए डांस का हर फॉर्म जो है, गरबा कहिए घूमर कहिए, धीरे धीरे हर जगह देश के हर एक क्षेत्र में फैल रहा है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कम हम अनजान पूरी तरीके से अनजान तो नहीं रहेंगे, हम लोग भी कुछ गरबा के चीज़ों को जानेंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में घूमर भी ऑर्गेनाइज हो। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और कहा कि इस स्कूल को हमें इनकरेज करना चाहिए इस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कहा था बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आप एक डालें ताकि हमें कुछ मीनिंग भी समझ में आए। तो उन्होंने हमारे कहने पर उसे भी यहाँ पर ऐड करा है। इन बिटवीन आप देख सकते हो एक छोटा सा बच्चा भी है। इस तरह से बच्चे अपनी मम्मीज़ को ढूंढते हुए बीच में आ जाते थे, तो हम ध्यान रखते हुए कि उन्हें चोट ना लगे अपने डांस को हम लोग परफॉर्म करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। तो इस तरह से हमारा जो है पिछले 6 दिनों से ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। एंड इवेंट देखेंगे हम लोग, मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बाहर से जो ट्रुप्स आ रहे हैं उनका भी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखलाऊँगी। तो देखते हैं, मेरे लिए भी ये पहली बारी ही है, किस तरह से हम इसे लेते हैं, किस तरह से हम इसे हैंडल करते हैं, साथ में कितना फ़न क्रिएट होता है। क्योंकि बच्चों के लिए भी यहाँ पे गेम्स, डीजेस एंड अदर चीज़ों की भी व्यवस्थाएं हैं, कुछ फूड स्टॉल्स भी आएंगे आई थिंक, ऐसा तो कहा जा रहा है। और ये शाम हो चुकी है, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं अपने अपने पासेस। अभी लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है क्योंकि अभी इवेंट ऑर्गेनाइज होने में 2 दिन और बाकी हैं। धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बन रही हैं। आई होप कि इसे आपने इंजॉय किया इस वीडियो को और समझा कि मैं क्या कर रही हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।